बॉलीवुड के मैचो मैन यानी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म पैडमैन का जोरों से प्रमोशन कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने फिल्म पद्मावत पर चल रहे विरोध को देखते हुए पैडमैन की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है। अब उनको फिल्म का प्रमोशन करने के लिए और ज्यादा समय मिल गया है। इसी बीच अक्षय कुमार फिल्म का प्रमोशन करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुँचे थे। यहाँ पर वुमेन मैराथन का आयोजन किया गया था। अक्षय भी इस समारोह में पहुंचे थे, लेकिन इस मैराथन की एक फोटो वायरल हो गई है जिस पर अक्षय को जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल अक्षय कुमार की वायरल हो रही इस तस्वीर में वे भारतीय जनता पार्टी की स्टूडेंट विंग BVP का झंडा हाथ में लिए नजर आ रहे हैं। अक्षय कुमार ने ट्वीट किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वुमन मैराथन को झंडा दिखाते हुए, ये लवली लेडीज महिला सशक्तिकरण और टैक्स फ्री सैनिटरी पैड्स के लिए दौड़ रही हैं। अक्षय कुमार के हाथ में BVP का झंडा ट्विटर पर काफी हंगामा मचा रहा है। ट्विटर पर लोग उन्हें राजनीति से दूर होने की सलाह दे रहे हैं तो कोई उनका मजाक बना रहा है, किसी ने उनकी कनाडा की नागरिकता को मुद्दा बनाया है तो कई उन्हें फ्लॉप मैन कह रहा है। आपको बता दें कि फिल्म पैडमैन 9 फरवरी 2018 को रिलीज होने जा रही है और इसमें उनके साथ सोनम कपूर और राधिका आप्टे नजर आएंगी। फिल्म पैडमैन में अक्षय अरुणाचलम मुरुगनाथम का कैरेक्टर प्ले करने जा रहे हैं, जो वास्तविक जीवन में पीरियड से जुड़ी समस्याओं पर काम कर रहे हैं। उन्हें पैडमैन के नाम से भी जाना जाता है।